इधर हाँ बोलते जाओ, सोचे चल सोचे चल। देख रहे सुखराज की ये जगह, यहाँ पे घास वगैरह जानवर के लिए मिलती है पूरा। यहाँ पे देखिए गाय गोरु ऊंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है की है। देखिए वो सामने जो है पूरा ऊंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे, हर एक चीज यहाँ पे आपको मिलेगी हर राज में आने के बाद। तो कुर्बानी करने के लिए जो अजनबी होते हैं वो यहीं पे आते हैं। यहाँ पे जो है बकरे से लेके खसी वगैरह हर एक चीज यहाँ पे जो है सस्ती मिलती है। देख रहे हैं ना पूरा कुछ इस तरीके से इनका जो है कि फार्म यहाँ पे होता है। बना लो ये देख रहे हैं ना, बैठ रहे भैया फिर बाद में कुछ बोली का मतलब। ये जगह जो मेरे दोस्तों है ना, ये पहले सिटी में थी, तो अभी सिटी से जो है कि ये जगह आउट में कर दिया। देख रहे हैं ना पूरा जो है यहाँ पे गाय भैंस गोरु वगैरह सब कुछ देखिए यहाँ पे। पहले सब मिलता है, पहले ये सिटी में था, अभी सिटी से बाहर कर दिया। कुछ और ये इनकी घासें हैं यहाँ पे जो है, ये बिकती है खाने पीने के लिए। ये सब देख रहे ना, ये और ये सऊदी का हर राज जो है ये होती है। नहीं यहाँ बैक साइड में और जो है कि यही सब है। देख रहे काफी बड़े में ये बनाया हुआ है। देखिए पूरी घास की दुकान यहाँ पे है और देखिए टरेले पे जो है घास आई हुई है, घास यहाँ से उतार रहे हैं। फिर ये जो है एक एक गट्ठर जो है बिकती है। देखिए सब गाड़ी में अपने लेके जा रहे हैं ये लोग। ये देखिए ये घासें जो है इनकी ज़्यादातर जो है उनेजा मजमा अलकसीम बुरैदा वहाँ से आती है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि घास काफ़ी ज़्यादा तादाद में उगाई जाती है। देख रहे ये सब पूरी इसमें घास है, ये वासी द्वासर उसको बोलते हैं उस जगह को नाम। वहाँ पे घास जो है काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। चलिए अच्छा अभी देख रहे हैं। हालाँकि मेरे दोस्तों ये जुमा का दिन है, जुमा के दिन तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ यहाँ पे पूरी मार्केट ख़त्म हो गई है। ये जो मेरे पीछे अब ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, इसके अंदर पूरी मार्केट लगती है। मुर्गी कबूतर हर एक चीज़ जो है जो इसको मतलब पाले हुए हैं वो अपने जो है कि फार्म हाउस से लेकर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है जुम्मा के दिन सेल लगता है। ये लोग बेचते हैं यहाँ पर आकर, पूरा एकदम ख़त्म हो चुका है, पूरी मार्केट ख़त्म हो चुकी है। देख रहे हैं ये पूरी यहाँ पे देसी मुर्गी है। देखिए यहाँ पे पूरी देसी मुर्गी का, और ये सब दुकानों के अंदर है, बाहर अभी नहीं लगाते हैं। बाहर जो है कि मना कर दिया गया है, तो अभी बाहर जो है कि बेचना एकदम से अलाउड ही नहीं है, इसके लिए बाहर अभी नहीं बेचते हैं। तो पूरा एकदम देख रहे हैं, हालांकि जुमा के दिन इतना रश होता था, इतना मतलब इतना अच्छा यहाँ पे जुमा के दिन लगता है कि जिसकी कोई मतलब वो नहीं है। हर किस्म के लोग यहाँ पे आते थे, इंडियन पाकिस्तानी बंगाली यानी जितने भी सऊदी अरब में हैं, चाहे सऊदी हो चाहे अजनबी हो जो भी है, सब लोग यहाँ पे आते थे। देख रहे हैं पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इतना रश होता था, इतना रश होता था जिसकी सब एकदम पूरा खाली पड़ा हुआ है। अभी इस दुकान में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए देसी अंडे भी यहाँ पे हैं, देसी मुर्गा कुकड़ू, एक कबूतर की नस्ल है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ये देखिए मुर्गी 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 की नस्ल। क्या हो भाई, ये कड़कनाथ की मुर्गी लेकर जा रहे हैं। ये मुर्गी लिए हैं, मुर्गा नहीं लिए हैं, मुर्गी एक मुर्गा है रे भाई। उसको पूछना, ये पता नहीं मुर्गी है कि मुर्गा, ये नहीं पता। अब यहाँ इसको जो है, हाँ मुर्गा है कड़कनाथ। अब यहाँ पे हम जो है, हाँ उधर नहीं, उधर से लेके हर एक चीज जो है कि यहाँ पे आपको मिलेगी, हर नस्ल की हर चीज जो भी चाहिए, कुत्ता बिलाई शेर भालू चीता खरगोश सब कुछ यहाँ पे मिलेगा।
देख रहे हैं ना, सब भाई यहाँ से मुर्गी वगैरह खरीद कर लेके जा रहे हैं। अब घर पे लेके जाके इसको काटेंगे, काट पीट के खाएंगे। सब जो है देसी मुर्गी देख रहे हैं, सब लेके जा रहे हैं। पूरा जो है यहाँ पे मेला लगा हुआ, ये एकदम शहर से एकदम बाहर की तरफ ये बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये जो जगह देख रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं सब 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 मिलता है, सब कुछ मैं बेच दूंगा यहाँ पे। वही ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी हैचरिंग मशीन वशीन वगैरह मिलती है। तो मेरे भाई हमने जो है कि एक मुर्गा लिया हुआ है कड़कनाथ का, हमने मुर्गा लिया हुआ है उसको वहाँ पे शॉप पे दे दिया है कटा जो है ज़बा करने के लिए। ज़बा करके वहाँ पे वो कटा जो है फिर उसकी धुलैया और सफैया करके हमको दे देगा। फिर उसकी जो है कि बोटी हम अपने मन मुताबिक जो है रूम पे लेके जाकर बनाएंगे। बस यहाँ पे सिर्फ जो है वो ज़बा करके नियत पहुँचा के उसकी साफ़ सफैया, उसका पुखना पंख जो होती है सब कुछ निकाल के सफैया करके हमको दे देते हैं। फिर हम अपने मन मुताबिक उसको जो है बोटी बनाते हैं। तो चलिए, हमारी वीडियो कुछ यहाँ तक थी, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें यार।